दोस्तों फ्यूल प्राइसेस बहुत हाई है, हमें सबको पता है कि पेट्रोल और डीजल इतने महंगे हो गए हैं। पेट्रोल इतने टाइम से 100 रुपीस के ऊपर है, तो इसकी वजह से सीएनजी कार्स बहुत ही पॉपुलर हुए हैं। पहले पेट्रोल को था, हम इसको सीएनजी से सीएनजी कन्वर्ट करें। अभी सीएनजी कार्स भी एक अल्टरनेटिव फ्यूल है, तो एलपीजी में और सीएनजी में एलपीजी अगर हम ये करें बोले तो 20 माइलेज दे रहा हो, सीएनजी जो है हमारे जो अगर कन्वर्ट कर लिए तो 40 से 5 महीने जा रहा। तो उसकी वजह से लोगों के पास जी हाँ, आज के इस महंगाई के दौर में हर कोई पैसे बचाना चाहता है। महंगे पेट्रोल की वजह से हर कोई परेशान है, लेकिन अब परेशानी की ज़रूरत नहीं, आ गई है पेट्रोल की मुतबादिल एनर्जी सीएनजी। सीएनजी से आपकी कारें, ऑटो और आपकी गाड़ियाँ बहुत ही स्मूथ चलती हैं। सीएनजी की कीमत पेट्रोल से नहायत ही कम है और माइलेज पेट्रोल के मुकाबले में डबल है। जी हाँ, रोज़ाना आपके आधे से ज़्यादा पैसे बच सकते हैं, तो फिर आज ही से पैसे बचाना शुरू कर दीजिए। अपनी कार या फिर ऑटो को फौरन सीएनजी फिटिंग करवाइए, यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीएनजी फिटिंग के लिए रायचूर ही में वर्कशॉप कायम हो चुका है, एक ऐसा ऑथराइज्ड वर्कशॉप जहाँ पर आपको सीएनजी फिटिंग के साथ साथ आरटीओ के सारे दस्तावेजात की तैयारी में भी मदद मिलेगी, और जहाँ पर सीएनजी के माहिर मैकेनिक बम्बई के छोटू भाई की खिदमत भी हासिल रहेंगी। तो फिर ज़्यादा मत सोचिए, फौरन तशरीफ़ लाइए शाइन ऑटो विंग्स, हैदराबाद बाईपास रोड के करीब SLN कॉलेज रोड पर वाक़ा है शाइन ऑटो विंग्स। मज़ीद तफसीलात के लिए आप इस फ़ोन नंबर पर भी रब कर सकते हैं, फ़ोन नंबर है 6363515140। आइए हम आपकी बात कार के एक ऐसे ओनर से कराते हैं जिन्होंने पेट्रोल की कार को सीएनजी में कन्वर्ट कराया है, उनके ख्याल जानिए। का नाम सर तिरुमलेश। और कार आपकी नहीं? हाँ हमारी। क्या पहले इसका था, क्या पेट्रोल का था? पहले पेट्रोल का था, हम इसको सीएनजी कन्वर्ट करें हटा गया। कई भी करें सर उसको, क्या माइलेज हमारे को 30 किलोमीटर माइलेज आ रहा है 78 रुपीज़ में, 78 क्या अभी 79 रुपीज़ है, माइलेज 30 आ रहा है। पेट्रोल में 20 किलोमीटर आ रहा था, सीएनजी में 30 आ रहा है। प्रॉब्लम दे दी क्या गाड़ी का? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, कुछ थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है तो हमारा सर्विस कर रहे हैं शोएब भाई। क्या फ़र्क रहता सर उसको इसको? फ़र्क क्या है, फर्क तो उसमें 20 किलोमीटर आता है, इसमें 30 किलोमीटर आता है। सर ये बिठा के आप कितने में दोगे सर? इस्तेमाल सही कर रहे हो? कम से कम 3 महीने ऊपर होगा। 3 मंथ्स आगे फिटिंग आगे नहीं सती नमेंगे ऐनू फोन मेरे कंप्लेंट मे टू टाइम्स सेकेंड टाइम बोलिए अदू मैनर इश्यूगे मैनर इश्यू ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಮೈಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಇದು ಶೋರೂಮಿಂದ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಇದೆ. ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀರ, ನಾನು 2 ಕಿಡ್ನಿ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲ 2 ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು 5 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಹೌದು. ದೇಖಿಯೇ ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ನೇ ಕ್ಯಾ ಕಹಾ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್, ನಮಸ್ತೆ, ಜೈ ಭೀಮ್. ये आज सीएनजी के जो भी हमारे एलपीजी के गाड़ियाँ हैं सीएनजी से हमारे को जो भी फायदा है इसके अंदर एलपीजी में और सीएनजी में, एलपीजी को अगर हम ये करें बोले तो 20 माइलेज दे रहा हो, सीएनजी जो है हमारे को अगर कन्वर्ट कर लिए तो 40 से 5 महीने जा रहा 40+ है वो, तो इसमें हमारे ऑटो वालों के लिए बहुत अच्छा है. तो पहले की चीज़ है बोल के हम लोग इसको हम लोगों को जो भी है सी एन जी वाले को हम कॉपरेट कर रहे हैं, वो लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अच्छी एक चीज़ आ रही है बोले तो सपोर्ट करना हमारा भी फर्ज है. तो शुक्रिया, ये दो बात बोलता हूँ. बोलो. सलाम अलैकुम. मैंने दिखा लिया, 9 महीना हो गया सी एन जी दिखा के, कंपेयर टू एल पी जी सी एन जी में बेहतर है. जो मेरी गाड़ी में 18 आता था जब एल पी जी था तभी, अभी सी एन जी में 40, 42, 45 आता, और बाहर गया तो 64 तक आया मैं, गुलबर्गा वगैरह गया तो मैं. तो ये अच्छी चीज़ है सीएनजी, कुछ ख़राब चीज़ नहीं है. कंपेयर टू एलपीजी बहुत बेहतर है. मैं तो बोलूँ मेरा गाड़ी जो है ना 205D है, 2012 का गाड़ी है मेरा. पहले एलपीजी में चल रहा था, उसके अंदर जो है ना लोकल में मेरा फाइबर का है गाड़ी. हालांकि गाड़ी वेट है तो लोकल में जो है 18 माइलेज देता था एलपीजी में, और लॉन्ग में जो है 20 देता था. जब मैं एलपीजी से सीएनजी कन्वर्ट करा तो मेरा लोकल में जो है ना 36 से 40 तक देता, अगर लॉन्ग में गए तो 40 से 45, लास्ट में 60 तक तो माइलेज देता है. तो मेरा जो है ना जाना आना अक्सर बीजापुर रहता, मैं यहाँ से फुल करा तो गब्बर में डालता हूँ, गब्बर में भी गैस मिलता है,
और तुम्हारे को आगे जाने के बाद में बसवन बागेवाड़ी बोल के है, वहाँ भी क्या है सीएनजी का पंप खुला हुआ है, वहाँ भी है। और बीजापुर के अंदर भी जो है ना 2-3 पंप खुले हुए हैं। ऐसा ही जो है ना हर इनका जो एजीपी वाले का जो है हर एक 100 किलोमीटर के अंदर एक या दो पेट्रोल पंप रखने का उनका एक ये टारगेट है बोलते बोल रहे थे। तो क्या है जल्द से जल्द जो है एलपीजी में है वो लोग जो है सीएनजी में कन्वर्ट हो जाओ, क्योंकि आपको पर लीटर 56 रुपीज़ एलपीजी पड़ रहा, तुम्हारे को क्या है सीएनजी होना 80 रुपीज़ पड़ रहा। केजी का हिसाब में पकड़े तो भी तुम्हारे को एक लीटर को तुम्हारे को सीएनजी 40 रुपये पड़ता, 56 यानी आपको 16 रुपये डिफरेंस है एक लीटर में। तकरीबन आप क्या है डेली एक 4-5 लीटर भी अगर डालेंगे तो तुम्हारे को खाली कन्वर्ट होने से पहले तो अलग बात रहा 150 रुपये बच गया, तुम्हारे को एक दिन का 150 रुपये बचा, वो किराया निकल जाता। तो इसलिए ऑटो भाइयों से ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द जो है ना एलपीजी से सीएनजी कन्वर्ट हो जाओ। शुरू में जो है ना शाहीन बोल के हमारा क्या है एलपीजी से सीएनजी कन्वर्ट करने वाले आए हुए हैं बेंगलुरु वाले, एक्चुअली तो क्या है फ्रेंड्स भी ऐसा है, ये हमारा रायचूर भी है, तुम्हारा गुलबर्गा है, इसके बाद बीजापुर है, कोप्पल है, ये चारों ब्रांच को गंगावती भी है, तो चारों ब्रांचों को क्या है इन्हों सब पूरा उसका ये करते हैं कन्वर्ट करते हैं। तो क्या है आपको क्या पेपर्स का भी जो ऑल्टो ऑफिस में वो भी कर देते हैं, हर तरह से जो है ना सहूलत है, जल्द से जल्द एलपीजी से सीएनजी कन्वर्ट हो जाओ। सीएनजी फिल अप कराने के लिए रायचूर में ये है क्या फिलिंग स्टेशन? दो स्टेशन कहाँ है, कहाँ कहाँ? एक साल्वेंट में है और एक लिंक सुगुर रोड पे एग्रीकल्चर कॉलेज के आगे। एल पी जी और सी एन जी में फ़र्क ये है कि अगर 2 लीटर एल पी जी जलता है तो सी एन जी 1 किलो जलता है, दोनों में पैसे में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क है 15 रुपये का 10 रुपये का, मगर उससे माइलेज ज़्यादा मिलता है और गाड़ी में थोड़ा सी पिकअप कम होता है, मगर उतने पिकअप से कुछ हर्जा नहीं है, चल जाता है। लेकिन उससे आपको रिक्शा वालों को फ़ायदा है, कार वालों को फ़ायदा है, उसको माइलेज ज़्यादा मिलता है उसमें। अगर 10 लीटर एल पी जी जलेगा तो ये सिर्फ 5 ही जलेगा। CNG वर्कशॉप के मैनेजर शोएब से हम आपकी गुफ्तगू कराते हैं, वो तफसील बताएंगे कि CNG आखिर है क्या और ये किस तरह फिट होती है और इसकी लागत क्या है वगैरह वगैरह। हम आपको एक बात और बता दें, चूंकि शाइन ऑटो विंग्स CNG का एक ऑथराइज्ड डीलर है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी कार या फिर ऑटो में सब्सिडी रेट पर CNG की किट फिट कराई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सभी का, तो रायचूर का अंडर मैं ही हूँ टेक और जो भी मैं कर रहा हूँ, और इधर का मैं आके मैनेजर हूँ, और जो कारों को और ऑटो को जो भी हम लोग बिठा लेते हैं अभी अलहमदिल्ला अब तक 100 ऑटो वालों को बिठा डाले और 50 कार के ऊपर से फिटिंग कर पाए, और आज भी एक गाड़ी आप है क्रेटा फिटिंग होने वाले, तो इन जो भी आ रहे आदमियाँ फिटिंग कराने के वास्ते इन सभी मन को फ़ायदा है। लेकिन चल आदमा को पता नहीं चल रहा है कि CNG में क्या प्रॉब्लम होगा या फिर ब्लास्टिंग ऐसा क्या तो होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है प्रॉब्लम होने का, सबको एक ही तरफ से बेनिफिट ही होगा। जब जाने जाने अभी एक प्लस पॉइंट है रायचूर वाले को, हमें रायचूर में लाइसेंस लेके काम करें, RTO अप्रूवल भी होना करके दे डालती हूँ। और दूसरी चीज़ क्या है तो हमें एक स्कीम में करें, ये स्कीम में बहुत से अजमान जो भी बिठाना चाहते हैं उन्होंने आपको बिठा लिया तो उनको बहुत से फ़ायदा हो रहा, और हमें क्या है अब जो बिठा रहे हैं हमें बहुत रीज़नेबल प्राइस है, तो ये स्कीम जल्द से जल्द ही ख़त्म होने वाली भी होगी, तो हम लोग पता नहीं करें तो गवर्नमेंट से स्कीम आती है जल्द से जल्द बिठा ले तो जल्द से जल्द उनको फ़ायदेमंद होगा। स्कीम ये स्कीम आपको हमारी किट का प्राइस आपको 30,000 रुपये है, जो सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट से 20,000 रुपये हम सब्सिडी मिल रही है ऑटो ड्राइवर के वास्ते। ये हमारी मीजो किट अप्रूवल कारों के वास्ते अप्रूवल लेके काम करें, इसमें ये किट आपको मीजो प्रीमियम बोलते हैं सर, तो ये पूरा किट का सभी इधर पे आइटम है, इधर मटेरियल है और ये रेड्यूसर है, ये है हमारा ऑटो का किट है, ये भी मीजो का ही है विद अप्रूवल लेके काम कर रहे हैं हमें, और ये BRC ये इटालियन ब्रांड है। किसके लिए वो? ये भी कारों के लिए। अच्छा।